चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। देखना है अगर अपना संविधान बाबा साहब का बचाना है तो आप लोग समाजवादी बन करके साइकिल को वोट करिएगा। जो बिचारों को कुछ नहीं मिला तो आगे उनका काम कराएंगे सारी हाँ और क्या सब कुछ काम होंगे। त्रस कांड आप लोगों ने तो देखा भी होगा सुना भी होगा, एक दलित की बेटी थी उसके साथ सात लोगों ने मतलब ऐसा किया है। आप लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना है अगर अपना संविधान बाबा साहब का बचाना है तो आप लोग समाजवादी बन करके साइकिल को वोट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। यहीं से नहीं जहां जहां आप लोगों की मतलब रिश्तेदारियां वहां भी कहना है। और देखिए अगर हमारा मान सम्मान बचेगा तो यहीं से बचेगा, नहीं ऐसे हम लोग रोज रात दिन मारे जाएंगे। इन लोगों यही है धारणा है कि गरीबों को गरीब बना दिया जाए, अमीर अमीर बना रहा है। देखिए 5 साल से हमारे 2 साल से कोरोना काल में बच्चे घर बैठ गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई के कारण बताइए हमारा मजदूर किसान है गरीब है उसके इतना मोबाइल नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई करा सके। और महिलाओं के साथ भी हमारी जो महिलाएं हैं तो वही मतलब काम करने जो दलितों की महिलाएं हैं मजदूरी करने वही जाती हैं और उनके साथ रेप होता है बलात्कार होता है। देखिए हाथरस कांड आप लोगों ने तो देखा भी होगा सुना भी होगा, एक दलित की बेटी थी उसके साथ सात लोगों ने मतलब ऐसा किया है। अब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, हाँ तो आप लोग अपनी महिलाओं को बचाने के लिए अपनी बेटियों को बचाने के लिए किसान भाइयों को बचाने के लिए सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को सबसे पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है, अखिलेश भैया की सरकार बनाना है। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। CCA चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। अभी हम बांदा जिले के नारायणी विधानसभा में हैं, जहां की सपा के प्रत्याशी किरण वर्मा जी हमारे साथ है। किरण जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे। किरण जी कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता का बहुत आशीर्वाद प्यार सम्मान सब कुछ मिल रहा है। हर गांव से यहीं से नहीं जहां भी जाती हूं वहां से मिल रहा है। किरण जी अभी आप मेरे को ये बताइए कि इस चुनाव में मुख्य रूप से आप लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मुद्दे देखिए यहाँ की सड़कें, जो नारायणी विधानसभा की मैं बात करूँगी क्योंकि यहाँ सड़कें में गाँव देख बहुत टूटी फूटी हैं, अव्यवस्थित हैं, उनका काम कराऊँगी। और सड़क बिजली पानी देने का तो काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। किरण जी यहाँ पर नारायणी में भी और बल्कि पूरे ही अगर हम कहें तो बुंदेलखंड में लॉकडाउन में बहुत तकलीफें देखने को मिली, मजदूर काफ़ी काफ़ी 10-10 दिन चल के यहाँ तक वापस आया है। ऐसी स्थितियों में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसके लिए आप लोग क्या, अगर आपकी सरकार बनती है तो किन मुद्दों को लेकर आप कैसे उस पर आप काम करेंगे? नहीं उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि काम करेंगे, जो बेचारों को कुछ नहीं मिला तो आगे उनका काम कराएंगे सारी हाँ और क्या सब कुछ काम होंगे। किरण जी समस्याएं सारी दूर होंगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं होगा, हमारी सरकार अखिलेश भैया की बनेगी तो ठीक है। यहाँ पर शिक्षा को भी बहुत बड़ा, आपने खुद ही बोला अभी अपने भाषण में कि बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है बच्चों के, खास करके लॉकडाउन में पढ़ाइयाँ छूटी हैं वो कवर अप करने के लिए कुछ योजना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बच्चों की फ्री पढ़ाई दी जाएगी सरकार बनने पर। ठीक है किरण जी, और दो साल जो इस अवध पे जो है जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है वो 2 साल की छूट की व्यवस्था है। और किरण जी आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि देखिए यहाँ पर अभी कई सारी भर्तियाँ 3 साल से नहीं निकली हैं, रेलवे की भी बाकी भी भर्तियाँ नहीं निकली हैं, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या बन गई है उत्तर प्रदेश में। 10 लाख भर्तियाँ कहा है, 10 लाख भर्तियाँ आप कह रहे हैं आप खोलें सरकार में? 22 लाख IT सेल में। अगर मतलब भर्तियां खुलने में या नौकरियां बनने में MSME बनने में समय लगता है तो क्या आप लोग बेरोजगारी भत्ता और इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं? दिया जाएगा। हाँ।